जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं चाहता हूँ आप सब सही हो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं फर्स्ट वीडियो ऐसे डाल रहा हूँ कि मैंने कभी वीडियो नहीं डाला, और लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई अब ये सब कैसे करते हो, ये सब है। कुछ लोग मेरे को आस्क करते हैं, मैसेज करें, तो मैं उन सबको ये सब बताना चाहता हूँ कि यार मैं एक्चुअली म्यूज़िक जो बनाता हूँ, मैं एक्चुअली रैंडमली बीट चूज़ करता हूँ। एंड कुछ मैं एक माइंड में एक स्टेप होता है कि मैं मुझे ये स्टेप फिट करना है किसी भी एक बीट में, तो मुझे जो बीट अच्छी लगती है मैं उसमें इस चीज़ को मैं सेटअप करता हूँ और उसी हिसाब से मैं गाना गाता हूँ बीट के हिसाब से। समटाइम मिस्टेक करता हूँ, पर मिस्टेक आई थिंक आई एम डूइंग बेटर, और मैं और भी अच्छा थोड़ा म्यूज़िक बना सकता हूँ एज़ पर। मैं यही सोचता हूँ कि शायद मैं लोगों को अच्छी शिक्षा दूँ अपने म्यूज़िक से, ये सब है। तो मेरे हर गाने का रीज़न होता है, और मैं ऐसे गाने नहीं लिखता कि मतलब मेरे जो जितने भी मैंने गाने लिखे उनका सबका रीज़न है, संसार है चाहे इंट्रो है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ और लोगों को भी बता रहा हूँ कि क्या चल रहा है लाइफ में, क्या है। म्यूज़िक में भी कुछ बता रहा हूँ, संसार आप सुन सकते हो, तो मैं बस बोलता भी हूँ कि ऐसा मत करो, तो वो चीज़ें हैं। और एक प्लीज़ आप एक दूसरे में प्यार रखो और एक दूसरे की मदद करो, मैं तो यही चाहता हूँ। और मेरा भी लाइफ का यही है कि मैं सबकी हेल्प करूँ। अगर आपका सपोर्ट हो तभी हेल्प होगी यार भाई। और एक्चुअली लोग मुझे देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ जो भी मेरे को देख रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करो। किसी को बुरा मत बोलो यार, किसी को बुरा बोलने से आप कोई वो नहीं बन जाते, कोई 30 मार खाने बन जाते, बहुत ज़्यादा बहुत हाई फाई हो जाओ वो सब हो। तो यार किसी को बुरा मत बोलो यार, कि उनकी भी माँ बहनें हैं, तो आप थोड़ा इंसानियत दिखाओ। हर बंदा अपनी मेहनत करता है हर चीज़ें। मुझे एक गाना था मैंने आई एम नॉट डन, एक्चुअली वो मेरे से गाया नहीं जा रहा था, सीरियसली बताऊँ मेरे को उसमें 6-7 घंटे लग गए उसकी रिकॉर्डिंग करते करते। बार बार मैं थक गया यार, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, मेरे से गाया नहीं जा रहा था वो अच्छे से। पर आई एम स्टिल आई एम थिंक मैंने एक लास्ट में एक रिकॉर्डिंग करी और मैंने बहुत अच्छी सी रिकॉर्डिंग करी, मुझे लगा ये परफेक्ट रिकॉर्डिंग है, इसलिए मैंने वो गाना चढ़ा दिया। लोगों को समझ भी नहीं आया वो गाना एक्चुअली क्या गाया मैंने, क्या गाया, बहुत फास्ट गाना गाया मैंने। तो उसमें मैंने बहुत प्रैक्टिस करी है और मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपने म्यूज़िक में। ऐसी बात नहीं कि मैं मेहनत करता भाई, बैठना पड़ता है 6-7 घंटे मेरे को, एक पेन और पेंसिल लेके बैठना पड़ता है कि क्या बोलते, क्या करूँ, कैसे लिखूँ, क्या स्टेप क्या डालूँ, क्या नहीं डालूँ। तो इसमें बहुत चीज़ें कंबाइन करके दिखना पड़ता है, तब कहीं जाके गाना रेडी होता है मेरा। ऐसे नहीं पता, और अदर आर्टिस्ट पता नहीं, मुझे नहीं पता वो कैसे म्यूज़िक बनाते होंगे, या वो पहले स्क्रिप्ट लिखते होंगे फिर बाद में म्यूज़िक बनाए, क्या बनाए मुझे नहीं पता, उनका कोई आइडिया नहीं है मुझे। पर मैं अपना म्यूज़िक ऐसे बनाता हूँ, मैंने आपको बताना तो मैंने बता दिया। और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो यार, कि मैं भी अच्छा ग्रो कर सकूं। और किसी की तरक्की के लिए किसी की बुराई मत करो, और किसी की तरक्की के लिए प्लीज़ सपोर्ट करो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है, कोई और यूट्यूबर है, सबको सपोर्ट करो, सबको प्यार दो। आपका कोई चैनल है, आपको कुछ ज़रूरत है, तो आप मेरे से बात करो कि भाई मेरा चैनल प्रमोट कर दे, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा कि सबको आप इनको भी वो करो, सब्सक्राइब करो। तो इतनी जनता जनसंख्या है यार इंडिया की, तो आप एक दूसरे को हेल्प करोगे तो कोई तरक्की करेगा ना। हर कोई, मैं चाहता हूँ हर कोई तरक्की करे यार, कोई भी कोई गरीब नहीं रहना चाहिए ज़िंदगी में, तो हर कोई पैसा कमाए, अच्छा जिए, अच्छा। कुछ लोग बेचारे भूखे प्यासे मर रहे हैं, या ये है वो है, आपको पता है कितनी गरीबी है देश में। तो स्टिल मैं चाहता हूँ कि आप सबकी हेल्प करो, सबको ऊपर चढ़ाओ। और मैंने एक गाना देखा था एक्चुअली बादशाह का, पागल गाना, लोग उनको इतना डिसलाइक कर रहे हैं, इतनी वो दे रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स दे रहे हैं। तो प्लीज़ भाई ऐसा मत करो, इंडिया के अच्छे आर्टिस्ट है वो, और इतने हाई लेवल पे गाना गया है उनका एक्चुअली, इतने बिलियन पे रिकॉर्ड तोड़ा है उन्होंने, पता नहीं कितने बंदों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो मैं चाहता हूँ कि आप उनको सपोर्ट करो यार, चाहे गाना कैसा भी है कुछ भी है, स्टिल सपोर्ट यार। वो इंडियन आर्टिस्ट है और इंडियन की वो तरक्की चाहते हैं, वो बुराई नहीं चाहते किसी की। तो आप सब मिलके उनको सपोर्ट करो, नेगेटिव कमेंट मत करो यार उनके उनके में। आप चाहे इंटरव्यू देख लेना, उन्होंने अभी रिसेंटली इंटरव्यू भी दिया था, मतलब ऐसे पता नहीं इंस्टाग्राम पे किया, पता नहीं क्या किया था। तो मैंने उनका वीडियो देखा था और मैं सीरियसली इंस्पायर हो गया कि हाँ बंदे ने बहुत सही बोला यार, कि कोई आप अगर डेस्पिट हो गाने से, आप नाच रहे हो उसमें क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे, तो आप मेरे गाने पर क्यों बुराई कर रहे हो। एक्चुअली उनकी साउंड बहुत अच्छा है, मुझे उनका गाने का साउंड बड़ा मजा आया, और मैं तो वो 10 बार वीडियो देखी मैं सच्ची बताऊँ तो। और सीरियसली मैं बोलूँ तो उनको आप सपोर्ट करो यार, और एक आर्टिस्ट हो के आप किसी को गालियाँ देना बुरी बात है यार, ऐसा बिल्कुल मत करो, बुराई मत फैलाओ। आप उनको बोल, आप उनके कमियाँ बोल सकते हो कि भाई इस गाने में ये कमी है, ये वो कमी है, आप उनको गालियाँ दे रहे हो यार, ऐसी गलत बात है भाई। किसी को आर्टिस्ट को गालियाँ मत दो, आपको कोई हक नहीं बनता किसी को ऐसा बोलने का। एंड अब पर कोई और एकदम पीस एंड लव फैलाओ, मतलब एकदम एक दूसरे में प्यार बना के रखो यार। सब अपने
सब अपने लिए ही करते हैं, जो भी करते हैं, कोई किसी के लिए नहीं करता। पर बात यह है कि जब आप किसी के लिए कर रहे हो ना, तो दिल से करो यार। अब किसी को लाइक भी, उस कमेंट या कुछ भी करे तो दिल से करो भाई। ऐसे किसी को गालियां देने से कोई आप महान नहीं बन जाते यार। तो सीरियसली बात है, जिन तक ये मेरा मैसेज जा रहा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ध्यान से सुनो और समझो कि भाई मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। एंड अब सबको अमीर बनना है, सबको कुछ करना है, तो भाई अगर सबको अमीर बनना है तो भाई मेहनत भी करनी पड़ेगी, चाहे वो दिन रात एक कर लो। मैं तो यही चाहता हूँ कि सब मेहनत करो, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी डेली मेहनत करता हूँ, मैं भी गाने लिखता हूँ, मैं सब करता हूँ। मैंने और भी वीडियो डालनी है और चीज़ों पर भी डालनी है, नॉट अबाउट म्यूज़िक कि म्यूज़िक ही डालते रहना है मेरे को बार बार। मेरे को और भी वीडियो डालनी है ताकि मैं लोगों को एक अच्छी शिक्षा दे सकूँ। और प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल यार, जिन्होंने मेरा नहीं किया है। और मैंने आपको बता दिया कि मैं कैसे गाना बनाता हूँ ऑलरेडी, आपको मैंने बता दिया ये सब, और मेरे हर गाने का रीज़न है। मैं ऐसे कोई मतलब फालतूगिरी नहीं करता, मतलब मेरा मेरे गाने में एक्चुअली ये है, मैं मतलब एकदम मेरा कंसेप्ट होता है, मैं ऑब्जॉर्व करता हूँ चीज़ें कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। मैं बाहर जाऊँगा कोई भी है, मैं पेपर में लिख देता हूँ सारा, फिर उसके हिसाब से मैं बीट बूट देखता हूँ और मैं उसको डाल देता हूँ। और मेरा यही कंसेप्ट है मेरे गाने लिखने का, मैं ऐसे अपने मन से नहीं लिखता, मतलब एकदम ऑब्जॉर्व करता हूँ मैं चीज़ें। मैं कहीं भी बाहर जाता हूँ बहुत चीज़ें ऑब्जॉर्व करता हूँ। तो आप भी ऐसा करो, मैं तो चाहता हूँ आप म्यूज़िक नहीं तो कुछ और बनाओ, अच्छी चीज़ें करो, लोगों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे काम करो ज़िंदगी में, ताकि खूब तरक्की हो, तुम्हें खूब सारा प्यार मिले, मेरी तरफ से भी मिले कुछ तरक्की, मतलब कुछ सपोर्ट चाहिए तो मैं भी कर दूंगा, आपके चैनल की है चाहे कोई भी है। तो प्लीज़ आप बस ये मेरा वैसे ये था कि किसी को बुरा मत बोलो, चाहे कोई आर्टिस्ट है या कुछ भी है। एंड स्टिल लव एंड पीस बना के रखो एक दूसरे में। और भी चीज़ें हैं, वैसे कई चीज़ें हैं। और मैं एक्चुअली मेरा चैनल बनाने का मेरा मतलब मेरा कोई और मोटिव था, पर एक्चुअली मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, लोग देख रहे हैं पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, मेरी सबसे यही विनती है, मेरे को सीरियसली सपोर्ट चाहिए ताकि मैं और अच्छा म्यूज़िक बनाऊँ और अच्छी वीडियो डालूँ, अच्छी शिक्षा दूँ। एंड आप भी ये सब करो। और भी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं, वो मैं आपको और वीडियोस में बताता रहूँगा कि और भी वीडियोस डालूंगा मैं। पर मैंने ये एक्चुअली वीडियो इसलिए बनाया था ताकि मैं आपको अपनी बातें थोड़ी शेयर कर सकूँ कि क्या है क्या नहीं है, कैसे बनता है कैसे नहीं बनता। मेरी मैं एक बात बोलूँ, मेरा मेरा वीडियो अच्छा नहीं होता, सीरियसली बोला मेरा वीडियो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, मेरे को वीडियो एडिटिंग करना नहीं आता बिल्कुल भी। और मैं जो खुद मैं समटाइम मैं खुद शूट करता हूँ वीडियो, एंड समटाइम मैं एक दो दोस्तों से एडिटिंग कराता हूँ, कुछ मेरे को एडिटिंग नहीं करना आता इतना अच्छा। तो जितना भी मेरे से होता है मैं उतना करता हूँ वीडियो के लिए, चाहे मेरा गाना अच्छा हो पर वीडियो अच्छी नहीं हो, पर स्टिल आई एम डूइंग बेटर। आई थिंक मैं एक अच्छा लिरिक्स और गाना गाता हूँ, चाहे मेरे को मुझे नहीं पता कितने लोग मेरे को हेट करते हैं या डिसलाइक कर रहे हैं वो सब है, तो ऐसा मत करो यार। तो अगर आप कुछ आप भी कोई शुरुआत कर रहे हो और आपको कोई हेट दे, कोई गालियाँ दे, तो उसके क्या बीतेगी यार। कोई कोई भी आर्टिस्ट है, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट अदर्स, ये सब पे होता है। सो हेटर्स सबके होते हैं, तो ऐसा मत करो यार, हेट मत फैलाओ, नफरत मत फैलाओ, पीस बना के रखो, एक दूसरे की हेल्प करो, सबसे बड़ी बात है ज़िंदगी में एक दूसरे की हेल्प करना। इंसान बनो, जानवर मत बनो यार, और इतना इतना हेट फैलाना अच्छी बात नहीं है किसी में भी। और आप प्लीज़ क्या बोलते, शांति बना के रखो एकदम, मतलब लोगों में जो भी है, लोग एक दूसरे को हेट भी मतलब गालियाँ दे रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा मत करो। इट्स नो, चाहे क्रिकेट हो चाहे कुछ भी है, कोई भी मामला है यार, प्लीज़ बना के रखो। मेरा तो यही मानना है कि मैं एक अच्छी शिक्षा दूँ सबको, ताकि आप क्या बोलते हैं औरों को भी अच्छी शिक्षा दो, चाहे वो आप यूट्यूब के जरिए दे रहे हो चाहे कैसे भी दे रहे हो। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी एंड अदर्स आर्टिस्ट भी है जो भी है कोई और भी है, और नफरत मत फैलाओ। सबसे बड़ा मैसेज यही है कि नफरत मत फैलाओ। और मेरा गाना मेरा जल्दी आ जाएगा, मैं ये बताना भूल गया, एक्चुअली मेरा गाना आ जाएगा, मेरी शुरुआत में शूटिंग नहीं कर पा रहा हूँ उसकी, तो मैं शायद खुद ही शूट करूँगा, खुद ही करूँगा जो भी है। तो मेरा गाना जल्दी आ जाएगा, और भी गाने हैं मेरे तो जल्दी आ जाएगा वो। और बस मुझे यही बोलना था, किसी का और कोई क्वेश्चन होगा तो मेरे को मैं कमेंट में कर सकता है, कोई भी किसी का क्वेश्चन रिलेटेड कैसे है ये सब है तो मेरे को कमेंट कर सकता है। एंड मैं यही चाहता हूँ कि किसी आप भी खूब तरक्की करो मेरी तरह ज़िंदगी में, जो भी है आपका मतलब कभी ज़िंदगी परेशान ना रहो यार, ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, तो आप प्लीज़ वर्क हार्ड एंड ड्रीम बिगर, ये चल के सोचो कि सपने बड़े हैं तो करने हैं तो फिर अब इतना ही मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको पता है फोकट में कोई लड्डू नहीं देता, कुछ नहीं मिलता,
तो सब अब मेहनत करो, सबको एक दिन सब अचीव हो जाएगा एक दिन। एंड थैंक यू सो मच ये मेरा वीडियो देखने के लिए। मैं और भी अच्छी वीडियो बना के डालता रहूँगा, एंड मुझे और भी बहुत सारे काम करने ज़िंदगी में जो मेरे मैं अभी तक स्टिल पेंडिंग है, तो मैं अभी वो सब आपको वीडियोस में बताऊंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा। कोई कुछ बुरा नहीं बोलने वाला किसी को, मेरा चाहे कोई बुरा बोल रहा है या हुआ है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता भाई। सब भगवान सब ऊपर वाला देख रहा है किसका क्या क्या हो रहा है क्या, सब वो हिसाब ऊपर वाला करता है। तो किसी को बुरा मत बोलो, सबसे बड़ी बात यही है, कोई आर्टिस्ट है या कोई भी है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ी दिमाग थोड़ा ठनका हो कि हाँ यार अच्छी बात, मैंने कुछ चीज़ें अच्छी बोली हैं। तो आप भी दूसरों को मोटिवेट करो, डीमोटिवेट का काम मत करो, सबसे बड़ी बात। किसी की हिम्मत बढ़ा रहे तो अच्छे से बढ़ाओ, नहीं तो मत करो यार ये सब। और कुछ बुरा बोला हो तो भाई आप कमेंट में मेरे को लिख सकते हो सीधा, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। कुछ बुरा बोला हो तो आई एम रियली सॉरी, एंड मैं मेरा किसी को हर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, किसी को कुछ भी नहीं है। एंड स्टिल मैं एक अच्छी शिक्षा देना चाहता हूँ सबको कि सब तरक्की करो और वो सब करो। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद जय भारत। और किसी को कमेंट या कोई क्वेश्चन है, मेरा नंबर भी है और नीचे कमेंट कर सकते हो मेरी वीडियो पे, मैं उनको सबको रिवॉर्ड करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद जय भारत।